हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं जो दिल्ली जुडिशियल एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग कुछ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि अभी लास्ट मोमेंट पे आपको चीज़ों को कैसे वर्कआउट करना है और कौन सा पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सीपीसी में जो डेफिनेशन क्लॉज है, नॉर्मली यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन फॉर्मेशन पुट की जाती है, कौन सी डेफिनेशन में या किस पर्टिकुलर सेक्शन में, किस सब सेक्शन में, कौन से क्लॉज में क्या चीज़ कवर्ड है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। तो डेफिनेशन को आप बहुत ध्यान से रीड करेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली डिक्री और जजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। अपार्ट फ्रॉम इट, जो सीपीसी के अंडर जो जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। देन यहाँ से जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी पुट की जाते हैं सीपीसी में, जो आपको बेयर एक्ट पे इन चीज़ों को मार्क करना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन मैक्सिम्स, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फॉर्मेशंस आपको एक बार चेक करनी है। और दोस्तों, कुछ वीडियोस सिविल प्रोसीजर कोड की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड की हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगी चीज़ों को याद कैसे करना है। अब ऑर्डर्स के रिगार्डिंग या सेक्शन नंबर्स के रिगार्डिंग स्टोरी फॉर्मेशन पोस्ट की गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आप ज़रूर चेक कीजिए। अपार्ट फ्रॉम इट, इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं सिविल प्रोसीजर कोड में भी, क्रिमिनल लॉ में तो सारी इंपॉर्टेंट हैं, बट सीपीसी में भी आपको जहां पे जो फैक्ट दिखते हैं इलस्ट्रेशंस में, उनको जरूर आप एक बार रीड आउट कीजिए। और दोस्तों, सीपीसी में ऑर्डर नंबर 1 to ऑर्डर नंबर 10 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऑर्डर नंबर 27 to ऑर्डर नंबर 37 ये बहुत ध्यान से आपको रीड करने हैं। इवन किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर के अंडर जो रूल्स हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ सेक्शंस जो आपको मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जैसे कि सेक्शन नंबर 1 to 25, उसके बाद जैसे कि सेक्शन नंबर 34, 35, इनमें से नॉर्मली क्वेश्चन फॉर्मेशन पुट की जाती हैं प्रिसेप्ट के रिगार्डिंग प्रोविजंस, ठीक है, जो कि सेक्शन नंबर 46 के अंडर कवर्ड है। सेक्शन 79, 80 बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइकवाइज सेक्शन नंबर 113, 114 एंड 115 ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिविल प्रोसीजर कोड में। दोस्तों, ये एक पढ़ने का तरीका है जिससे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं आउटपुट, और कोई भी ऐसी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी मिस आउट नहीं होगी। अब इन सब में से आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो एडिशनल वीडियोस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे वो स्टोरी फॉर्मेशन है या इम्पॉर्टेंट कंटेंट है ओवरऑल, अगर कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे मिस आउट किया, काफ़ी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई हैं, उनको आप ज़रूर एक बार चेक कीजिए। दोस्तों, इसके अलावा मैंने कुछ जो पोस्ट थी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, इसके रिगार्डिंग पहले ही वीडियो पोस्ट की है। ये पर्टिकुलर वीडियो में हम सीपीसी कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप के रिगार्डिंग पूरे का पूरा एक्ट, कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद द कंटेंट, मैंने सब मार्क करवाया है। आर्बिट्रेशन एक्ट भी कवर कर लिया गया है। देन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विद अमेंडमेंट्स, सारा कुछ कवर किया है कि आपको कौन से सेक्शन अच्छे से कवर अप करने हैं। लिमिटेशन एक्ट के रिगार्डिंग वीडियोस, ये सब कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब जो एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इवन यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, दैट इज इंडियन पिनल कोड, ठीक है। अब दोस्तों, इसको हल्का सा ध्यान से देखिए कि इंडियन पिनल कोड में आपको किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेशन आती हैं दिल्ली जुडिशरी एग्जामिनेशन में। आप एक बार जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ के, जैसे कि इंडियन पिनल कोड, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए कि आपको चैप्टर नंबर्स भी गो थ्रू करने हैं अच्छे से, क्योंकि दिल्ली एग्जामिनेशन में कई बार चैप्टर नंबर्स के बारे में पूछा गया कि कौन सा चैप्टर किस चीज़ के रिगार्डिंग डील करता है।
और इन स्पेसिफिक इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सेक्शन 1 टू सेक्शन नंबर 120 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे आप सेक्शन नंबर 1 टू 52 कैपिटल ए रीड करेंगे, आपको लगेगा कि अगर एक या दो क्वेश्चन फॉर्मेशंस भी एग्जामिनेशन में आती है इस पार्ट में से, ये बेसिकली लॉटरी क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। देन नॉर्मली पनिशमेंट वाले पार्ट में से क्वेश्चन फॉर्मेशंस पुट की जाती हैं, फिर आपको जनरल एक्सेप्शंस कवर करनी है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। उसके अलावा जो प्राइवेट डिफेंस एग्जामिनर्स चॉइस, मतलब यहां से क्वेश्चन फॉर्मेशन नॉर्मली पुट की जाती है इस एग्जामिनेशन में। अब डायरेक्टली मैं जंप कर रहा हूं इन बिटवीन वाला कंटेंट, आप कुछ वीडियोस भी चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इन दो सेक्शंस में से भी क्वेश्चन फॉर्मेशन पुट की जाती हैं 299 से लेके दोस्तों आप 301 तक एक बार अच्छे से इस चीज को रीड कीजिए। देन हम बात करते हैं 319 हर्ट के रिगार्डिंग, ग्रीवियस हर्ट के रिगार्डिंग, 339 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के रिगार्डिंग, 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के रिगार्डिंग। ये सब सेक्शंस आपको अच्छे से बेरट पे मार्क करने हैं, आप अभी साथ ही में इन चीजों को नोट कर सकते हैं। देन 349 फोर्स के रिगार्डिंग, क्रिमिनल फोर्स के रिगार्डिंग, 54 ये सब पार्ट वो है जैसे किडनैपिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो गया, तो ये चीजें 59 से आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन फॉर्मेशंस पुट की जाएंगी एग्जामिनेशन में। देन अब ये तो आपका जो पर्टिकुलर एरिया है इंडियन पिनल कोड का, आपको यहां से भी क्वेश्चन फॉर्मेशन दिखेंगे एग्जामिनेशन में। अपार्ट फ्रॉम इट अब कुछ ऐसा एरिया दोस्तों, यहां पे इलस्ट्रेशन थोड़ी कम कवर्ड है, यहां पे थोड़ी इलस्ट्रेशन कम कवर्ड है एग्जामिनेशन में। अपार्ट फ्रॉम इट इवन बेयर एक्ट में जब हम बात करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद वाले जितने भी सेक्शंस हैं टिल 511 सारे के सारे सेक्शंस में, एक तो आपको सेक्शन नंबर ध्यान में रखना है प्लस इनकी जो पनिशमेंट सेक्शंस हैं और उसकी पनिशमेंट क्या है उसको ध्यान में रखना है प्लस इलस्ट्रेशंस। दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करते हैं तो आपको बहुत बार ऐसा दिखेगा कि इलस्ट्रेशन में से बहुत पार्ट कवर किया गया एग्जामिनेशन में, तो इलस्ट्रेशंस बिल्कुल मिस ना कीजिए क्योंकि जो यहां पे इंडियन पिनल कोड में दिख रहा है कि इलस्ट्रेशंस का एक मेजर रोल है, राइट? क्योंकि यहां पे जो एग्जामिनर्स चॉइस है आईपीसी में से, बेसिकली इलस्ट्रेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना, ठीक है? ये इंडियन पिनल कोड के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी थी। अब जो लैंग्वेज वाला पार्ट है दोस्तों, लास्ट मोमेंट पे आप लैंग्वेज के पीछे मत भागिए बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से वर्ड कहां से कवर होने वाले हैं, और अगर आपका थोड़ा सा भी आपका होल्ड है लैंग्वेज पे, जैसे आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग पता है, तो आप अच्छा अटेम्प्ट करेंगे एग्जामिनेशन में। तो आप इस मोमेंट पे लैंग्वेज के पीछे मत भागिए, अगर ये सफिशिएंट टाइम होता आपके पास 20-25 दिन तब आप लैंग्वेज को बार बार पिक करते। अब जो मोमेंट है आप ये चीज कवर कर सकते हैं जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे आती हैं, इवन कुछ जैसे इम्पॉर्टेंट कोई कहाँ पे है, कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग्स कहाँ पे है, कोई म्यूजियम कहाँ पे है, ठीक है? और जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम बात करते हैं कोई भी अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ठीक है? इन चीज़ों के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट जो चेयर्स हैं उनके चेयरमैन या हेड कौन है, ठीक है? ऐसी क्वेश्चन फॉर्मेशंस इस स्टेट में पुट की जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम इट जैसे कोई ज्योग्राफी के रिगार्डिंग हाईएस्ट, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब फैक्ट्स आपको याद करने हैं, एक बार गो थ्रू करने हैं इस एग्जामिनेशन में, ये पॉइंट पुट किए जाते हैं। लेटेस्ट के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट चेयर्स मैंने यहाँ पे कवर की, ठीक है ना? कोई भी अथॉरिटी है लेटेस्ट एक बार आप केस लॉस को गो थ्रू कीजिए, आपको ऐसे वाले क्वेश्चन फॉर्मेशन एग्जामिनेशन में मिलेंगी जनरल नॉलेज पार्ट में। तो ये कंटेंट आप अभी रीड कर सकते हैं, जैसे कि लीगल अपडेट्स भी यहां पे कवर होंगे, ठीक है? और उसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, चाहे वो बैंक्स के रिगार्डिंग, इकोनॉमी के रिगार्डिंग, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, आपको एक बार इंपॉर्टेंट अपडेट्स रीड करने हैं रिसेंट वाला पार्ट। ये था सारा जो स्टैटिक जीके है, अपार्ट फ्रॉम इट रिसेंट अपडेट्स भी कवर करने हैं क्योंकि दोस्तों यहां पे बहुत एक मेजर रोल है किसका, लैंग्वेज का और जीके का। जितना लॉ का पार्ट है पैरेलल आपको बहुत हद तक
जनरल नॉलेज और लैंग्वेज रोल प्ले करेगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो आपके पूरे के पूरे एफर्ट्स इन सब पे डिवाइडेड होने चाहिए, सिर्फ लॉ पे फोकस मत कीजिए। एडिशनल आप लैंग्वेज के, इंग्लिश के क्वेश्चंस जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और जनरल नॉलेज में ऐसी वाली क्वेश्चन फॉर्मेशंस एक बार इसको आप जल्द से गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज में एक बार आपने अगर रीड भी किया होगा आप उन चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों ये तरीका है दिल्ली जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने का, और इस बार के लिए जो बेसिकली आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेशन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि प्रीवियस ईयर क्या क्राइटेरिया चल रहा है दिल्ली जुडिशरी के रिगार्डिंग। इन चीज़ों को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। एडिशनल वीडियोज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कॉमेंट बॉक्स में अपने कॉमेंट दे सकते हैं आप वीडियो के रिगार्डिंग। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जब भी नई वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट्स मिल पाएंगे साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।